हेलो दोस्तों, यह है टाटा टियागो XT CNG। कार की अगर फ्रंट की बात की जाए तो कार में आपको फ्रंट में एरोडायनामिक पियानो ब्लैक में ग्रिल और टाटा का बड़ा सा लोगो मिल जाता है। साथ में इसके नीचे क्रोम वर्क देखने को मिल जाएगा जो गाड़ी के लुक को थोड़ा और बढ़ा देता है। कार की अगर लाइट की बात करें तो आपको इसमें कोई भी प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को नहीं मिलेगा। नॉर्मल हेलोजन इंडिकेटर और बल्ब मिल जाएंगे, ना ही कोई फॉग लैंप आपको मिलेगा इसमें। फ्रंट से कार काफ़ी सुंदर लगती है देखने में। अगर इसके साइड की बात करें तो आपको नॉर्मल कट स्टील रिम अलॉय कैप के साथ मिल जाती हैं। 175/65 R14 के इसमें आपको टायर देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि ठीक साइज है इसका। फ्रंट में दो वाइपर, ऊपर CNG की बेजिंग, एंटीना FM के लिए, कार में पियानो ब्लैक में ORBM, साथ में इंडिकेटर, बॉडी कलर डोर हैंडल देखने को मिल जाएंगे, BPLR ब्लैक टेप किए हुए हैं। साइड से काफ़ी सुंदर लगती है टियागो। टियागो में अलॉय व्हील नहीं आती है, जो इसकी रिम है वो अलॉय व्हील की तरह कटिंग की शेप में है। टियागो में आपको 44 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, ये फ्यूल के यहाँ से आप फिल कर सकते हैं अपना। अंदर से कार कुछ इस तरह से डबल टोन कलर में आती है, काफ़ी सुंदर टियागो दिखने में लगती है। अगर इसके रियर से बात करें तो रियर में काफ़ी सुंदर लुक टियागो का है, बड़ा सा पीछे टियागो का लोगो मिल जाता है दिखने के लिए। पीछे दो पार्किंग सेंसर, इसके नीचे मूछ टाइप ब्लैक प्लेट दे रखी है। एक बार कार को अंदर से दिखा देता हूँ। कार की अगर सीट की बात करें तो आपको नॉर्मल फैब्रिक सीट कार में आपको देखने को मिल जाएंगी। सेंटर कंसोल में आपको दो कप होल्डर, 5 स्पीड का मैन्युअली ट्रांसमिशन, हैंड ब्रेक, थोड़ी अपनी बोतल वगैरह रखने के लिए स्पेस, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट चार्जिंग के लिए। नॉर्मल आपको मैनुअली एसी मिल जाएगा, हरमन का म्यूजिक सिस्टम, CNG वेरिएंट है कार, यहाँ पर CNG की बटन आपको देखने को मिल जाएगा, हजार्ड लाइट के लिए स्विचेस। कार के अगर स्टीयरिंग की बात करें तो आपको नॉर्मल टिल्ट स्टीयरिंग मिल जाता है। ऑडियो कंट्रोल आपको स्टीयरिंग पर भी मिल जाएंगे, इसमें आपको कोई भी क्रूज़ कंट्रोल वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ से आप अपने वाइपर्स को कंट्रोल कर सकती हैं, लाइट्स और इंडिकेटर के कंट्रोल, ब्लोअर के चारों तरफ आपको क्रोम वर्क और पियानो ब्लैक की फिनिशिंग मिल जाएगी। कार में चारों पावर विंडो मिलती हैं, हार्ड प्लास्टिक आपको मिल जाएगी। यहाँ पे 1 लीटर की बोतल वगैरह आप रख सकती हैं और छोटा मोटा और स्पेस। कार में आपको ऑटो एडजस्टेबल मिरर मिल जाएंगे, मिरर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, कोई भी लाइट इसमें नहीं दे रखी है। डे एंड नाइट एडजस्टेबल आपको RBM मिल जाएंगे। डैशबोर्ड की बात करें तो काफ़ी बड़ा सा डैशबोर्ड आपको टाटा टियागो ऑफर करती है, जो देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। 4 स्पीकर कार में आपको मिल जाती है चारों डोरों पर, कुछ इस तरह से कार का इंटीरियर लगता है। डबल टोन में आपको कार का इंटीरियर मिल जाएगा। ग्लव बॉक्स को आप यहां से खोल सकते हैं, काफ़ी बड़ा ग्लव बॉक्स का साइज है। कोई भी लाइट आपको इसमें या कोल्ड आपको नहीं मिलेगा। जिस बजट में टाटा टियागो CNG आती है, ये XT वेरिएंट है इसका CNG। कार के रियर सीट पे मैं आ चुका हूँ। रियर सीट की अगर बात करें तो काफ़ी इसमें आपको लेग रूम मिल जाता है, हेड रूम भी काफ़ी अच्छा कार आपको ऑफर करती है।
फ्रंट आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाती हैं, कोई भी आपको बीच में आर्मरेस्ट देखने को नहीं मिलेगा, ना ही कोई पीछे है, फिक्स इसमें आपको हेडरेस्ट मिल जाएंगे। कार की अगर चौड़ाई की बात करें तो काफ़ी अच्छा स्पेस टाटा टियागो आपको ऑफर करती है, बीच में थोड़ा सा हम भी देखने को मिल जाएगा, पर तीन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस है, कोई भी कार में स्पेस की कमी आपको फील नहीं होगी। टियागो में बीच में आपको लाइट्स देखने को मिल जाएगी, पीछे से कुछ इस तरह इसका डैशबोर्ड का लुक लगता है। टियागो 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है। अगर कार के डोर की बात करें तो काफ़ी सॉलिड इसमें थर्ड आपको फील होगी। एक बार कार का बूट स्पेस चेक कर लेते हैं। टियागो आपको 342 लीटर का बूट स्पेस देती है, पर सीएनजी के साथ इसमें आपके लिए बिल्कुल भी जगह नहीं बचेगी, काफ़ी बड़ा सिलेंडर इसमें लगा हुआ है, ऊपर पार्सल ट्रे, नीचे कार की स्टपनी और थोड़ी टूल किट वगैरह रखी हुई है। स्टपनी को अगर आप निकालें तो फ्रंट सीट को आपको रियर सीट को आपको आगे करना होगा, उसके बाद आप स्टपनी को ऐसे निकाल कर सकते हैं। ICNG की बेजिंग टियागो XT। टियागो में 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन मिल जाता है, जो कि CNG पर 72 BHP और 95 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। टियागो आपको XT CNG 7,25,000 की ऑन रोड पड़ जाती है, जिसमें कोई भी आपको एक्सेसरीज नहीं मिलेगी। अलग अलग स्टेट में इसका प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे होता रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।